नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मॉडर टॉर्शन। मेरा नाम है सचिन और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी नई मारुति सुजुकी फ्रॉक्स जो कि खरीदने वाले हैं उस पर अपना आराम से 1 लाख तक का बचा सकते हैं अपना अमाउंट। और ये वीडियो बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने उन पॉइंट्स को अजमा लिया, ध्यान रख लिया, तो आप भी अपना अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अदरवाइज नुकसान आपका हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो है बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप अच्छा खासा अमाउंट भी अपना सेव कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इलीगल है, तो वो आप पे है, आप इसे फॉलो करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट में जो रोड टैक्स लगता है वो उसका परसेंटेज कुछ अलग है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में ये काफ़ी ज़्यादा है, हिमाचल में करें तो हिमाचल में ये रोड टैक्स जो है काफ़ी कम लगता है। अगर हम यहाँ फ्रॉक्स के सिग्मा बेस वेरियंट जो है उसके प्राइस की ही बात कर लें, तो फ्रॉक्स पे जो रोड टैक्स लगता है कर्नाटका में, उसके हिसाब से इसकी जो आरसी बनती है 1,31,000 की बनती है। और वहीं अगर हम बात करें इसका हिमाचल में, तो हिमाचल में ये बनती है 34,000 की। तो आप देख रहे हैं कि 1 लाख का यहाँ पे डिफरेंस है। और वहीं अगर हम बात करें दिल्ली में, हरियाणा में, तो वहाँ पे इसकी आरसी जो है 65,000 बन जाती है। तो ये अलग अलग स्टेट पर ये वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे, आप जो है अपना आसपास की स्टेट से जहाँ पे जो रोड टैक्स है वो कम लगता है वहाँ का रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, और रेंट एग्रीमेंट के बेस पे आपको गाड़ी उस स्टेट के रजिस्ट्रेशन के टैक्स के हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसे स्टेट में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, जॉब करते हैं, और उसके बाद आपका होम टाउन कहीं और है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी है किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे टैक्स कम लगता है, तो आप वहाँ से भी जो है गाड़ी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है बड़ी आराम से अपना 30-40-50,000 जो वो बचा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में टैक्स जो है कम लगता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, तो पंजाब वाले जो है हरियाणा से गाड़ी निकलवा के जाते हैं। तो आप आसपास की स्टेट्स में टैक्स देखें, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस तरीके की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्किप ना करें। दोस्तों, हमने देखा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत के साथ आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने अभी टैक्स का पॉइंट बताया, तो ये भी टैक्स से ही रिलेटेड है। तो जैसे एग्जांपल है स्टेट दिल्ली का, तो दिल्ली की जैसे हर स्टेट में ऐसा होता है कि कुछ प्राइस के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि अगर 6 लाख से बिलो गाड़ी है तो उस पर 4% टैक्स लगता है, अगर 6 से अबव है, 6 से 10 के बीच में है, तो उस पर 7% टैक्स लगता है, और 10 से अबव है तो उस पर 10% टैक्स लगता है, और 20 से अबव है तो उस पर अलग क्राइटेरिया है। तो फ्रॉक्स जो फॉल करती है वो 7% से स्टार्ट होती है, यानी कि फ्रॉक्स का प्राइस जो है 7.5 लाख है, और उसके बाद उस 7.5 लाख वाली पे 7% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे अगर आपके लिए जो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप 10 लाख बिलो एक्स शोरूम वाली प्राइस खरीदते हैं, और अगर आप 10 लाख से अबव एक्स शोरूम प्राइस वाली गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें सिर्फ टैक्स की ही बात करें तो 50,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप एक दो फीचर ऐसे हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप लगता है आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, तो उस केस में आप 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस से कम वाली गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको आराम से 50,000 से 60,000 जो है टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा सरकार को आप 50,000 से 60,000 टैक्स देने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी फीचर नहीं मिलने वाला, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सीधा सीधा एज ए टैक्स चले जाने हैं। तो आप ये 50,000 से 60,000 अपने बचा सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फीचर्स जो 10 लाख से अबव वाले वेरियंट में मिल रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज़ आप बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजिली अपने पैसे बचा सकते हैं, इस बात को ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे वाले पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। तो चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आजकल देख रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है, हर साल जो है प्राइसेस इंश्योरेंस के बढ़ रहे हैं, और इसमें जो डीलर का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। तो अगर आप इंश्योरेंस बाहर से ट्राई करते हैं या थोड़ा नेगोशिएट करते हैं डीलर के साथ, तो आप बड़े आराम से जो है पैसे अपने बचा सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रॉक्स ओनर के साथ, उसने जो अराउंड 22,000 सिर्फ इंश्योरेंस में सेव किया था दिल्ली से, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं।
तो अगर आप ऐसी मेट्रो सिटी में जहाँ पे 2-3 डीलर्स हैं, या फिर ऐसी छोटी सिटी में हैं जिसके आसपास जो और सिटीज़ भी लगती हैं, वहाँ पे आप 2-3 डीलर्स के पास जाएं, उनसे नेगोशिएट करें और बाहर वाले इंश्योरेंस का प्राइस चेक करेंगे, तो आपको 20-30,000 का बड़े ही ईजिली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और जो कि सीधा सीधा डीलर का जो है उसमें कमीशन होता है, डीलर को वो पैसे बचते हैं। तो अगर आप डीलर के साथ नेगोशिएट करते हैं तो मुझे लगता है इजीली आप 20,000 के आसपास डीलर जो इंश्योरेंस है उसमें बचा सकते हैं। तो ये था इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों अगला पॉइंट बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। अगर आप मेरी तरह किसी IT कंपनी में जॉब करते हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एक पॉलिसी होती है, काफ़ी सारी कंपनी में ये पॉलिसी होती है, अगर आप कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा जो है वहाँ पर प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर आप जनरली जो कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं तो लोन होता है। अगर आप फ्रॉन्क्स की बात करें तो अगर आप 6 लाख का लोन लेते हैं गाड़ी पे, तो 6 लाख का लोन अगर आप 3 साल की अपनी EMI बनवाते हैं तो हर साल 2 लाख वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हर साल आपको 2 लाख की EMI जो है वो पे करनी पड़ेगी, तो उस 2 लाख पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। यानी कि 1 लाख के अगर आपकी इनकम जो है 30% की स्लैब में आती है, तो अगर आप लगाएं कि अगर आपकी साल की 2 लाख की EMI है तो 1 लाख पे 30% स्लैब के हिसाब से आपको सीधा सीधा 32-33,000 जो है बचता है, और अगर आप 2 लाख पे अगर मैं बताऊं तो ये तकरीबन 66,000 तक ये हो जाता है। तो आप इजीली आप यहाँ पे एक साल के लिए अपने 66,000 बचा सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी पे करती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, अपने HR से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में ऐसी पॉलिसी है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो तरीका, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, मेरे साथ वाले काफ़ी लोगों ने जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन्होंने ये बेनिफिट लिया है, और इसमें बस ये होता है कि जो 3 साल आप लोन आपका चलेगा उस केस में आपकी जो गाड़ी है वो कंपनी के नाम रहती है। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी होता है, आप वो भी पता कर सकते हैं कि वो एप्लीकेबल है या नहीं। जनरली ये 5-8,000 दिया जाता है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है जो गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी बुक कराने जाते हैं, तो उस टाइम पे वो नेगोशिएशन का बात ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम पहले गाड़ी जो है बुक करा लेते हैं और उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर आपको गाड़ी पे डिस्काउंट लेना है तो आपको बुकिंग से पहले जो है डिस्काउंट की बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएट की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी डिस्काउंट मिलता है आपको, एक्सेसरी मिलती है या किसी और तरीके का आपको डिस्काउंट मिलता है, किसी भी तरीके का आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो तभी मिलेगा आपको अगर आप गाड़ी पहले बुक कराने से पहले डिस्काउंट की बात करें, क्योंकि अगर आप गाड़ी बुक ही करा लेते हैं तो वो डीलर के सिर से वो चीज़ चली जाती है। उनको प्रेशर मेनली यही होता है कि उनको गाड़ी की बुकिंग लेनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कंपनी गाड़ी नहीं दे रही तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है, उनकी तरफ से ये टेंशन चली जाती है, तो बुकिंग से उनका आधा काम खत्म हो जाता है। तो अगर आप बुकिंग से पहले बात करते हैं डिस्काउंट की, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे लोग जो है जब बेस वेरियंट देखने जाते हैं, बेस वेरियंट खरीदने जाते हैं, तो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर होते हैं जो बेस वेरिएंट पे नहीं मिलते, और वो उस वजह से लोग जो है अपर वेरिएंट की तरफ जाते हैं। जैसे फ्रॉन्क्स अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा में रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते, तो ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये आजकल बड़ी ईजिली आप बाहर से लगवा सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बिल्कुल आपको जेन्युइन देखने को, जेन्युइन एसेसरी एज ए प्लग एंड प्ले एसेसरी जो है आपको देखने को मिल जाती है, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। रियर एसी वेंट्स आप लगवा सकते हैं सिर्फ 3500 रुपये में, तो अगर आपके लिए आपको ये सही लगता है तो आप इस केस में भी अपना जो अपर वेरिएंट जाता है वो एक तकरीबन 1-1.5 लाख महंगा हो जाता है, तो इस केस में भी आप जो अपना अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे वाले पॉइंट जो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बात कर लेते हैं हमारे 7वें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों जनरली जब गाड़ी लेने जाते हैं लोग, डिलीवरी लेने जाते हैं गाड़ी की या गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को बोला जाता है कि जो एसेसरीज़ है वो मैंडेटरी आपको लेनी ही पड़ेगी, कुछ किट है वो लेनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाड़ी का प्राइस, गाड़ी का इंश्योरेंस और RC, इसके अलावा कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो जो एसेसरीज़ आप कंपनी से लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस होता है उनका, लगभग मार्केट से 5 या 10 गुना प्राइस होता है अगर आप वो एसेसरी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कहा जाता है कि आप रोड साइड असिस्टेंस भी ले सकते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती है तो उस केस में आपको फ्री गाड़ी को टो करने की फैसिलिटी मिलेगी। और ज़्यादातर लोगों को ये
इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि जो वो इंश्योरेंस ले रहे हैं पहली बार गाड़ी का, तो उस इंश्योरेंस में ये चीज़ ऑलरेडी होती है, तो उसके लिए आप अलग से 5,000-7,000 क्यों पे करो, वो भी उसी के बीच में कवर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। इसके अलावा दोस्तों आपको गाड़ी को अंडर बॉडी कोटिंग करने को कहा जाता है, जिसके भी कुछ अलग से चार्जेस होते हैं, और गाड़ी को अंडर बॉडी कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी कोटेड होती है, रस्ट वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते हैं, तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी अपना जो है अमाउंट थोड़ा सेव कर सकते हैं, अराउंड ये चीज़ सारी चीज़ें मिला ले तो आप 20,000 के आसपास जो अपना अमाउंट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा लगभग 70% लोग जो है वो गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो एक अपनी पुरानी गाड़ी जो है एक्सचेंज करते हैं, तो पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करने पर जनरली जो है कंपनी एक बोनस देती है, तो वो जो डीलर है वो आपको बताते हैं कि आपको इस गाड़ी पे इतना बोनस दिया जा रहा है, लेकिन जब वो आपकी इवैल्यूएशन करते हैं आपकी गाड़ी का, तो वो जो बोनस है वो जो इवैल्यूएशन वाला अमाउंट होता है उसके बीच में वो एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि अगर आपकी गाड़ी का जो इवैल्यूएशन लगा है वो 1,20,000 है, ठीक है, और उस पर 20,000 बोनस भी है, तो आपकी गाड़ी का जो एक्सचेंज प्राइस होना चाहिए वो 1,40,000 होना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि 1,20,000 आपकी गाड़ी का प्राइस लगा के उसके इंक्लूडेड कर देते हैं वो बोनस। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जनरली अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए गाड़ी नई गाड़ी बुक कराने से पहले उसका इवैल्यूएशन करें, और उसके अलावा लोकल डीलर से भी इवैल्यूएशन करवाएं, अदर जो डीलरशिप्स हैं उनसे भी इवैल्यूएशन कराएं, जहाँ पे आपको फ़ायदा लगे वहाँ पे आप ट्राई करके आप अपनी गाड़ी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं नए वाली। अगले पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लोन लेते हैं गाड़ी खरीदते हुए, 90% लोग जो है वो लोन लेते हैं, तो लोन के केस में भी इंश्योरेंस वाला काम ही होता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप जो है सीधा सीधा डीलर के पास जाते हैं और वहीं से जो एजेंट है और उसके थ्रू आप लोन ले लेते हैं, आप बाहर से ट्राई नहीं करते, आपको लगता है कि हाँ जो वो दे रहा है वो सब सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप बाहर भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जो कंपनी का जो शोरूम वाले का जो लोन वाला एजेंट होता है उसके साथ जो डीलरशिप है उसका कमीशन होता है, अगर आप बाहर से ट्राई कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 3,000 से 5,000 तक का जो है प्राइस में फ़ायदा हो सकता है, आप ट्राई ज़रूर करिए, अदरवाइज़ दोनों जगह आप ट्राई करेंगे आपको सेम लगता है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी जो गाड़ी का टैक्स या GST इससे रिलेटेड है, और आप बड़ी इजीली उसमें अपने अच्छे खासा अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी गाड़ी है उस गाड़ी का जो फैक्ट्री प्राइस है उसके ऊपर GST लगता है और कुछ टैक्स और लग के उसका एक एक्स शोरूम प्राइस तैयार होता है, और उसके बाद एक्स शोरूम प्राइस पे आपका जो रोड टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है वो लगता है, और फिर आपका ऑन रोड प्राइस बनता है। तो जो GST लगता है एक फैक्ट्री प्राइस पे, वो GST जो है आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, जनरली ये उन लोगों के लिए अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपकी गाड़ी के थ्रू आप जो इनकम कर रहे हैं, जैसे कि आपका एक ड्राइविंग स्कूल है, आप अपनी गाड़ी जो है फ्रोंक्स खरीद रहे हैं या कोई और खरीद, और उस केस में आप इनकम कर रहे हैं और उस इनकम पे आप GST भी पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जो अपना GST जो आपने गाड़ी खरीदी है उस पे जो GST पे किया उस केस में आप जो अपना GST क्लेम कर सकते हैं। आप अपने CA से मिले, जहाँ से भी आप ITR फिल करवाते हैं, उस इनकम के थ्रू आपका वो GST बच सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का प्राइस जैसे फ्रोंक्स का 10 लाख से अबव है या कोई और गाड़ी है उसका 10 लाख से अबव है, तो उस केस में 1% जो है वो TCS लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये TCS जब आप गाड़ी खरीदते हैं आपको ये पे करना पड़ता है, और जब आप ITR फिल करते हैं तो ये आपको TCS रिफंड हो जाता है, आप रिफंड करवा सकते हैं, आप एज ए प्रूफ इसे रखें। अगर आपकी गाड़ी 14 लाख है तो 14,000 आपको ये टैक्स भरना होता है, और जब आप ITR भरते हैं तो आप 14,000 आपके लिए रिफंडेबल होता है, लेकिन 99% लोग इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते और वो जो पैसे वो अपने बचा सकते हैं। तो ये लोग ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं गाड़ी खरीदते हुए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिस पे आप जो नई गाड़ी फ्रोंक्स खरीदते हुए अपने अच्छा खासा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं। अगर आप 10 पॉइंट्स में से कुछ 2-3 पॉइंट भी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप बड़े ही इजीली 50,000 से 1,00,000 तक बचा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।